गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त गायत्री। तो आज क्योंकि लास्ट डे है हमारा पुणे वापस जाने से पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मॉर्निंग में ही अपनी कजन को छोड़ने आ जाऊं। देख सकते हो मैं छोड़ने आई हूं, मैं उसको छोड़ चुकी हूं और अब मैं वापस जा रही हूं। और आज हम फॉर्चुनर से छोड़ने आए हैं। तो गाइस, अब मैं वापस जा रही हूं मेरी कजन को छोड़ के। मौसम तो काफी ठीक हो रखा है, कल बारिश हुई थी बट अभी तो एकदम कड़ी धूप है। तो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। मैंने मेरी कजन को ड्रॉप कर दिया है और मैंने सोचा क्यों ना दूसरे रास्ते से जाया जाए, तो हम आज फ्लाईओवर वाले रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट वाले से नहीं। लेट्स सी, इधर भी बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है कि नहीं। वैसे मौसम तो काफी अच्छा हो रखा है, कल बारिश हुई थी बट आज तो पूरा धूप है। तो गाइस, मैंने मेरी कजन को छोड़ दिया, उसके बाद मैं वापस आई, उसके बाद नहा धो के मैं फ्रेश हो गई थी और उसके बाद सोचा कि क्यों ना आज ब्रेकफास्ट में खुद के लिए कुछ बनाया जाए। तो मैं रोटी सब्जी खा के बोर हो गई थी, तो मैं और मेरी कजन दोनों साथ में मिलके हमने सोचा कि आज अपने स्टाइल में पनीर भुर्जी बनाई जाए, जिसको हम एज अ सैंडविच खाएंगे। ऐसे तो मैंने पनीर भुर्जी पहले भी बनाया है, उसका रेसिपी भी मैंने डाला था। अगर आपको ये वाला खाना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, आपको इसका रेसिपी पूरा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं और मेरी कज़न बातचीत कर रहे थे और हम खाना बना रहे थे। और वैसे भी खाना अकेले बनाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इंसान जब तक किसी के साथ बातचीत करके ना बना रहा हो, अकेले बना रहा हो, तो इंसान बोर हो जाता है और वो चीज़ उस पर बर्डन लगने लगती है। अगर आप किसी से बातचीत करके खाना बनाओ ना, तो आपको लगेगा कि खाना भी बन गया, आपको टाइम का भी नहीं पता चलेगा। और प्लस क्योंकि आज मेरा ये लास्ट डे है, कल से मैं वापस जा रही हूँ पुणे, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहन के साथ ज़्यादा देर रहूँ, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें भी शेयर करी। और प्लस आपको पता है क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि आप अगर बिहारी हो और अगर आप घर से जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नमकीन में मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने और मेरी कज़न ने, मेरा तो फिर भी ठीक है कि मैं पुणे में बाहर रहती हूँ तो आई कैन हैव फूड आउटसाइड, बट जो मेरी कज़न है उसके साथ ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके हॉस्टल में अलाउड नहीं है बाहर जाना उसके कैंपस से, तो लिमिटेड चीज़ें मिलती है और खाना उसके मन के मुताबिक नहीं होता आधे टाइम। तो हमने उन घर पे बोला था कि हमें अलग से ठेकुआ और निमकी बना के देने को। अगर आप बिहारी हो, नहीं हो तो भी आपको तो ठेकुआ पता ही होगा और निमकी आप देख लो कैसा बना है। फिलहाल तो मेरी आंटी पनीर ग्रेट कर रही थी ताकि हमारे जो पनीर भुर्जी है वो तैयार हो सके। तो आप देख सकते हो हमारा ये लाजवाब पनीर भुर्जी तैयार हो चुका है और इसको हमने फिर सैंडविच के स्टफ में तैयार करके खा लिया। इसके बाद मेरी आंटी को देखा मैंने कि वो जो कोकोनट होता है, सूखी वाली नारियल होती है, उसको वो ग्रेट करी थी। मैंने पूछा तो इन्होंने बोला ये ठेकुआ में डालेंगी। तो फिर मम्मी ठेकुआ बनाने के लिए आटा को अच्छे से सान कर रही थी। और सबसे बड़ी बात होती है गाइस कि अगर एक ठेकुआ अच्छा बनना चाहिए प्रॉपर, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर डालनी चाहिए, विद टाइम मिक्स होनी चाहिए। और ये हमारा देसी घी गया। और गाइस, ये जो घी है ये हमारे घर पे बना हुआ है क्योंकि हमारे घर पे गाय है, तो ये घी भी घर पे ही बनता है, तो ये कम्प्लीटली हेल्दी है। और घी डालने के बाद मम्मी बना रही थी, ट्रस्ट मी गाइस, जब ये पूरा तैयार हो चुका था तो देख के तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। और हमने तैयार होते होते ही 3-4 तो खा लिए थे। तो मेरी कज़न बोलती है यहीं पे खा लो सारे, हॉस्टल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। बट मम्मी ने काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था और ये इसमें किशमिश भी डाल रही है। लोग बोलते हैं कि मेरी कज़न बोल रही थी कि इसमें आप पूरा होल किशमिश क्यों नहीं डाल रही हैं, तो वो बोलेंगी कि अगर वैसे डाल देंगे तो ये फिर किशमिश जो है
सारा निकल जाएगा फ्राई करते वक्त। तो इन्होंने ऐसे थोड़ा सा पीस के डाला था ताकि ये जो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें डालने के बाद मेरी मामा मिक्स कर रही थी, और क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए, मेरी छोटी बहन के लिए, मेरा छोटा भाई के लिए, और मेरा बड़ा भैया है वो पढ़ाई नहीं करता है, बिजनेस संभालता है, बट उसके लिए भी गया था। तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बनी थी, और थोड़ी सी मम्मी ने घर पे भी रखा था जिसमें पापा लोग खा सके। तो क्वांटिटी लगभग 5 केजी के आसपास की पड़ी थी। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें डालने के बाद अब ये लोग आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। बाकी अगर आपको घी इस पे थोड़ा और डाला है इन्होंने एक्स्ट्रा, बाकी अगर आपको ठेकुआ की रेसिपी अलग से भी चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इसकी वीडियो अलग से भी बना के डालूँ। ऐसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें ही देख के समझ आ गया होगा बहुत हद तक कि ठेकुआ बनाने के लिए जो डो तैयार करते हैं वो किस तरीके से होता है। सारी चीज़ें डालने के बाद एट द एंड ये चीनी और पानी का घोल जा रहा है, और ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है। और ये सब करने के बाद हमारा ठेकुआ का डो तैयार हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मेरी बड़ी बहन पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इतने दिन में मैंने आपको मेरा मंदिर नहीं दिखाया, तो एक बार मंदिर भी दिखा दूँ। और इसमें आप देख सकते हो कि हमारे घर पे दुर्गा माता जी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं कि हम बाकी भगवानों को कम मानते हैं, बट उनको थोड़ा हम लोग ज़्यादा मानते हैं, ये अपने अपने श्रद्धा की बात होती है। इसके बाद फिर आप देख सकते हो डॉ सानने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में मैंने पहले खीरा, गाजर, बादाम जो मैं रोज़ खाती थी वो खाया, बट उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने मेरी बहन को बोला कि प्लीज़ मेरी वो सैंडविच तैयार कर दो। तो ब्रेड में उसने तंदूरी मेयो लगा के, पनीर भुर्जी डाल के, चीज़ डाल के दिया। ट्रस्ट मी गाइस, खाने के बाद तो मेरा पेट ही नहीं भर रहा था, मैंने गले तक ब्रेकफास्ट किया था उस दिन। उसके बाद मेरी मम्मा ठेकुआ के लिए गोल गोल बनाने लग गई। फिर यही सब होते होते मेरी कज़न को लाने का टाइम हो गया, और सिंस क्योंकि आज ये लास्ट डे था तो मैंने सोचा कि आज ही मैं नई वाली गाड़ी लेके जाऊंगी। ऑल तो मुझे बहुत डर लग रहा था इसको ले जाने में कि कहीं मुझसे स्क्रैच ना आ जाए। मतलब जब मैं नया नया गाड़ी सीखी थी तो मैंने दो दो गाड़ियों पे बोनी कर दी थी। एक गाड़ी तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट पानी में डुबा ही दिया था। एक्चुअल क्या हुआ था ना कि मैं गाँव जा रही थी और बारिश का टाइम था, तो जो ब्रिज के नीचे एक जाने का ऑप्शन था, एक ब्रिज के ऊपर से था। तो मुझे पापा ने बोला था कि ब्रिज के नीचे से आप चले जाओगे, तो मुझे ये पता नहीं था कि उसके नीचे कितना पानी है। ऑल तो गाइस, अगर मैंने थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिखाया होता तो मैं निकल ही जाती। मैंने क्या हुआ ना कि जब मैं वो उसके अंदर से गुजरने लगी तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, और एक पॉइंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया और मैंने एक्सीलरेटर के ऊपर से पैर हटा दिया, जिसके कारण गाड़ी धीरे धीरे पीछे होने लगी। और एक बार पानी चला गया तो उसके बाद गाड़ी वापस स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अगर मैंने एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया होता तो मेरी गाड़ी निकल गई होती। तो सबको मैं भी ये सजेशन करूँगी, एक तो पानी में ना जाएं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ एक्सीलरेटर पर से के ऊपर से पैर ना हटाएं, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। एक बार एक्सीलरेटर के ऊपर से आपका पैर हटा, आपकी गाड़ी डूबी, पर आज तक उस गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। यही सब बातें करते हुए हम वापस आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने देखा मेरी मम्मा इस तरीके से, इस छोटे से टोकरी से शेप देते हुए हमारे ठेकुआ को गोल गोल कर रही थी। उसके बाद फिर इसको मेरी जो चाची हैं वो छान रही थी। और आपको मैं बता दूँ, ये जो डीप फ्राई हो रहा है ये भी घी में हो रहा है, देसी घी में, रिफाइंड में नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो टेकवा है ये
हेल्दी होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बट ये पूरा घरेलू है क्योंकि इसमें जो घी है वो भी घर का है, बाकी चीज़ें भी तो घर। यही सब बातें करते करते शाम हो गई और मैंने और मेरी कज़न ने सोचा क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, क्योंकि कल से तो फिर मुझे गाड़ी ड्राइव करने को नहीं मिलेगी। तो इवनिंग में हम लोग हमारी फेवरेट एरिया पे एज यूजल एरोड्रम के साइड चले गए थे, क्योंकि इधर पूरी ग्रीनरी थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। फिर जब हम वापस घूम के आए तो हमने देखा कि मम्मी जो नीम की है उसके लिए उन्होंने कट कर लिया है और वो फ्राई कर रही थी। आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में बनी है, बट एट द एंड ये सबके लिए सफिशेंट हो जाती है। सो इसी तरीके से खाते पीते हमारा दिन निकल गया और आज का ये ब्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज सिंस ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू हैड अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।